हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रैवल ब्लॉग। मैं खड़ा हूँ अपना निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से मथुरा जंक्शन। ट्रेन है हमारी सामने लगी हुई है, अभी दिखाता हूँ ट्रेन कौन सी है। ट्रेन संख्या है 12060 12060 कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये सामने लगी है। जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, दिखाते हैं कैसी है ट्रेन। अभी हो रहा है 12:30, जो ट्रेन का टाइमिंग है 12:45 का है। अभी जाता हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे, जो ट्रेन है हमारी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे है। जाके दिखाता हूँ मैं आपको कोटा जनशताब्दी कैसी है। अच्छा, जो चलती है निजामुद्दीन से चलती है, इसका जो लास्ट जो स्टॉप है वो है कोटा। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है अराउंड 460 किलोमीटर करती है। अगर आप लोग मेट्रो से आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे जो है आने का वो मेट्रो ही है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर मयूर विहार फेज़ 1 में आके मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी ये पिंक लाइन मेट्रो, जो आपको लेना है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से मंजिस पार्क की तरफ जाती है मेट्रो, वो आपको लेनी है। यह चूँकि हमारी पिंक लाइन की मेट्रो, इसे पकड़ते हैं, जाते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ये सामने हमारा है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तो चलते हैं फटाफट से इसके अंदर, पता करते हैं ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। यहाँ से जाएंगे हम अभी मथुरा जंक्शन। ये सामने लगी है हमारी कोटा जनशताब्दी। इसके आगे के दो जो कोचेज हैं 3 वो एसी हैं, बाकी सारे नॉन एसी हैं। एसी मतलब चेयर कार और नॉन एसी मतलब 2S। ये सारे जो है 2S हैं। इसमें D1 से D17 तक आपका ये सारे हैं 2S। उसके बाद आपके 3 जो बोगी हैं वो है आपके चेयर कार जो कि एसी कोचेज हैं। जो 2S का किराया है वो अराउंड 125 या 130 रुपीज़ आपको पड़ेगा। अभी निकलते हैं हम इस ट्रेन से मथुरा के लिए। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, 12:40 हो गया है। 12:40 से ट्रेन चलेगी यहाँ से, जाते हैं इसके अंदर। दिखने में तो काफ़ी सही सी लग रही है ये ट्रेन, बट अंदर जाके पता चलेगा कि अंदर से ट्रेन का क्या हाल है। तो चलिए चलते हैं, आ गया हमारा गेट, चलिए चलते हैं अंदर। ट्रेन तो थोड़ी साफ़ सुथरी सी लग रही है। ये है इसका 2S बोगी। मेरे को लगा था कि इसमें शायद 3 अलग अलग इंडिविजुअल सीट्स होंगी, बट नहीं, तो फ्लैट है एकदम। वापस हमको बाहर आना पड़ गया क्योंकि थोड़ी ट्रेन की सफाई हो रही है चलने से पहले। ये आंटी लोग कर्मचारी रेलवे के सफाई कर रहे हैं इसलिए चलने से पहले एक बार। तो चलिए चलते हैं अंदर। यह है कुछ इसका वॉश बेसिन, एक बार टॉयलेट जाकर चेक कर लेते हैं नीट एंड क्लीन है कि नहीं है। यह है इसका कुछ टॉयलेट, इंडियन सीट है। पानी एक बार चेक करते हैं, सबसे मेन पानी है, पानी आ रहा है, हाँ आ रहा है पानी। तो चलिए चलते हैं, जर्नी करते हैं कंटिन्यू। ये 12:50 पर हमारी ट्रेन चल चुकी है। 5 मिनट थोड़ी सी डिले चली है ट्रेन, पर ठीक है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं निजामुद्दीन। इसके बाद जो इसका अगला स्टॉप है वो है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ के बाद जो आएगा वो सीधा आएगा मथुरा जंक्शन। टोटल जो डिस्टेंस होने वाला है निजामुद्दीन से मथुरा जंक्शन का वो होने वाला है अराउंड 130 किलोमीटर्स का। इसका जो फर्स्ट स्टॉप है वो है बल्लभगढ़, जो कि अराउंड यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। इसका जो मथुरा में टाइमिंग है वो 2:30 के आसपास का है, क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी लेट हो चुकी है तो इतना दिखा रहा है। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है बल्लभगढ़, जो इसका पहला स्टॉप है। कुछ इस तरह से दिखता है ये बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन। तो चले जाके फिर से बैठते हैं सीट पे और वेट करता है मथुरा जंक्शन आने का। मथुरा जंक्शन जाने का
जो हमारा मेन रीज़न है वो है वहाँ की होली, लठमार होली मथुरा में चलती है। ये अभी इस वीक तो आपको पूरा शायद मिल जाएगा, अगर आप मथुरा जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मथुरा में आए हैं, यहाँ पर होली होती है। जो होली होती है मथुरा में, वह मथुरा में प्रॉपर तो मुझे पता नहीं था, लेकिन वृंदावन में तो अच्छी तरीके से होती है। मथुरा से आपको जो वृंदावन जाना होगा वो कैसे होगा थोड़ा बता देता हूँ। मथुरा से जो वृंदावन का डिस्टेंस है अराउंड है 20 किलोमीटर समथिंग आपको पड़ेगा। तो अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो आप मथुरा जंक्शन से आप ऑटो ले सकते हैं, आपको 50 या 100 रुपये समथिंग में आपको ऑटो छोड़ देगा वहाँ पर, आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप लोकली मथुरा में भी घूमना चाहते हैं तो मथुरा में भी घूमने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। एक द्वारकाधीश टेम्पल है, वो भी अच्छा है देखने के लिए, आप जा सकते हैं वहाँ भी। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अराउंड 3 किलोमीटर समथिंग में आपको वहाँ पर मिल जाएगा द्वारकाधीश टेम्पल। वहाँ पर एक घाट भी है, वहाँ पर आप घूम सकते हैं। अभी वेट करते हैं अपना मथुरा जंक्शन आने का। इस ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो सीधा मथुरा जंक्शन ही है। ट्रेन की रफ़्तार काफ़ी अच्छी है, भले ही जनशताब्दी लेकिन अच्छी खासी स्पीड है इसकी भी। बच्चे यहाँ पर एंजॉय करते हुए अपने सफ़र को। तो चलिए मिलते हैं आप सीधा मथुरा जंक्शन पे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मथुरा रेलवे स्टेशन, यहाँ से करते हैं ट्रेन को डी बोर्ड। अभी आपको मैं दिखा दूंगा इसके एसी कोचेस कैसे दिखते हैं। अभी जो इसका ट्रेन का जो इंजन है उसकी तरफ इसके सारे 2S कोचेस हैं, और एंड में जाके आपको मिलेगा इसका एसी कोचेस जो कि सिर्फ 3 ही हैं। ये है इस ट्रेन का एसी कोचेस। ऑलमोस्ट ट्रेन का टाइमिंग हो चुका है, वरना आपको बंदा जाके दिखाता कि ट्रेन निकलने वाली है यहाँ से। जो चल पड़ी है ट्रेन तो हमारी जर्नी होती है यहाँ पर हमारी कम्प्लीट। अभी जाके मैं भी थोड़ा इधर टेम्पल घूम लेता हूँ। आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप मथुरा आ रहे हैं तो टेंपल ज़रूर घूमिए, 2-4 बहुत आनंद मिलेगा। ट्रेन को करते हैं बाय बाय। इस ट्रेन में आपको दो ही तरह की सीट मिलेगी, एक है 2S और दूसरा है चेयर कार। चेयर कार बेसिकली एसी कोच है और 2S जो है नॉन एसी कोच है। जो मैंने इसमें ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया था 2S कोच से। उसके लिए जो मैंने निज़ामुद्दीन से मथुरा तक के लिए जो प्राइस पे किया था वो था समथिंग 125 रुपये। ट्रेन का जो टाइमिंग था वो था 12:45 का। ट्रेन 5 मिनट वहाँ से लेट चली थी मथुरा जंक्शन पे, उसने काफ़ी लेट हमको पहुँचाया। ट्रेन समथिंग 20 से 25 मिनट लेट हो चुकी थी। फाइनली हमें मथुरा पहुँच चुके हैं, तो निकलते हैं यहाँ से बाहर, जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।